नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय से हमारे चैनल के चाहने वाले डिमांड कर रहे थे कि हम अमरोहा सीट के बारे में बताएं। अमरोहा सीट के बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, शायद पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। उसमें हमने अच्छी खासी जानकारी अमरोहा सीट के बारे में दी थी, लेकिन उस समय तक प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पाए थे। टिकटों को लेकर बदलने की चर्चाएँ थी, तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब जबकि तस्वीर काफ़ी साफ़ है और 18 तारीख को यहां पर मतदान होने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें इस बारे में बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। अब इसके बारे में फाइनल स्थिति जो बनकर आई है वो कुछ इस तरह से है। बीजेपी ने जो यहां पर सिटिंग एमपी हैं कंवर सिंह तंवर, उन्हें ही यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है और ये सीट बसपा के खाते में गई है गठबंधन के हिसाब से, और इसलिए इस सीट पर कुंवर दानिश अली को मायावती ने टिकट दिया है। यानी कि उनकी पूरी पूरी योजना है कि वो किसी भी तरह से यहाँ से मुस्लिम वोट खींच सकें और उसके साथ साथ यहाँ से दलित वोट, अपना जो वोट बैंक है उनका, वो उन्हें मिल सके। दरअसल क्या है कि अमरोहा में 20% से ज़्यादा के करीब मुस्लिम आबादी है और इसी रेशो में यहाँ वोट काफ़ी हैं। इसके अलावा यहाँ जाट, गुजर, ठाकुर और वोट भी सब सभी संख्या में हैं, लेकिन मेजर वोट्स जो हैं वो 20% के करीब मुस्लिम वोट हैं। यही वजह है कि मायावती ने यहाँ पर कुंवर दानिश अली को टिकट दिया है और अकेले प्रत्याशी मुस्लिम होने के कारण उनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। कुंवर दानिश अली को मुस्लिम वोट मिलेंगे, दलित वोट मिलेंगे, इसके अलावा OBC वोट मिलेंगे, तो इस तरह से उनका समीकरण यहाँ पर बड़ा सॉलिड नज़र आ रहा है। कांग्रेस ने यहाँ नए चेहरे पर भरोसा जताया है सचिन चौधरी के रूप में, और पता नहीं इसके पीछे पॉलिसी क्या रही थी उनकी। शायद पॉलिसी रही होगी कि इससे क्षत्रिय वोट उन्हें मिलेंगे, जाट और गुजर, ठाकुर, इस तरह के वोट शायद सचिन चौधरी को मिल जाएं। सचिन चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया था, उस कैंपेन की वजह से वो काफ़ी यहाँ पॉपुलर हो गए थे, अखबारों में उनके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट छप रहे थे। और यहाँ पे जो टिकटों के लिए बाकी लोग जो यहाँ पे दावेदार थे उनके मुकाबले सचिन चौधरी उन पर भारी पड़े और अंत में युवा होने के कारण उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया। अमरोहा सीट के बारे में बताऊँ, पिछले कुछ सालों से राम लहर के बाद से ये सीट काफ़ी कुछ बीजेपी के लिए मुफीद बनती रही है। मुफीद इन द सेंस कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चेतन चौहान जो क्रिकेटर हैं वो यहाँ पर दो बार सांसद रहे, 91 में और 98 में। चेतन चौहान दो बार MP रहे, अब वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा इस सीट का ट्रेंड पार्टियों को लगातार भ्रमित करता रहा है कि इस सीट पर समीकरण क्या बनते हैं। परिसीमन से पहले यहाँ के समीकरण कुछ और थे, परिसीमन के बाद यहाँ समीकरण कुछ और बन गए। देखिए 99 में यहाँ से बसपा के टिकट पर राशिद अलवी भी जीत गए थे। राशिद अलवी जो कि अब कांग्रेस के नेता हैं वो भी जीत गए थे। 2004 में यहाँ हरीश नागपाल जो बड़े कारोबारी टाइप के व्यक्ति हैं वो जीत गए थे और इंडिपेंडेंट जीते थे। 2009 में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर देवेंद्र नागपाल जीते थे। उस समय बताऊँ 2009 में राष्ट्रीय लोकदल को 9-7 सीटों में से शायद 5 सीटें मिली थी, 5 या पता नहीं 7 या 9 सीटों पर लड़े थे ये, और राष्ट्रीय लोकदल को 5 सीटें मिली थी और ये सबसे बड़ी सफलता थी राष्ट्रीय लोकदल के इतिहास की आज तक की। उस समय BJP के साथ इनका टाई अप हुआ था, अजीत सिंह बागपत से जीते थे, जयंत चौधरी मथुरा से जीते थे, बिजनौर से संजय चौहान जीते थे और अमरोहा से कंवर सिंह, ये क्या नाम, देवेंद्र नागपाल जीते थे। तो इस वजह से ये सीट RLD का भी एक सॉलिड सा, यहाँ पर जाट वोट भी बहुत हैं, सॉलिड सा एक यहाँ पर ग्राउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह रही कि 2014 में RLD ने यहाँ से किसान नेता राकेश टिकैत को टिकट दिया। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में जो भारतीय किसान यूनियन है, मुजफ्फरनगर क्या वो देश लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक कही जाती है, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत जो अब इस दुनिया में नहीं रही उसके नेता, उनके बेटे राकेश टिकैत को यहाँ से टिकट दे दिया था
अजीत सिंह ने, लेकिन राकेश टिकैत की बड़ी दुर्गति हुई यहाँ पर। वो चौथे पांचवें नंबर पर रहे और उन्हें 9,539 वोट कुल मिले थे, तो इस स्थिति में बड़ी ख़राब कंडीशन उनकी थी। उन्हें लग रहा था कि जाट वोट उन्हें मिल जाएंगे, बाकी और वोट भी आरएलडी के मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्हें लगा था कि 2009 का रिकॉर्ड यहाँ दोहराया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पिछली बार तंवर को 5,28,000 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के उमेर अख्तर को 3,70,000 वोट मिले, और बसपा जो तीसरे स्थान पर रही फरत हसन, उन्हें 1.62 लाख वोट मिले थे, यानी कि 1,62,000 वोट मिले थे। तो इस हिसाब से अगर मैं ये देखूं, उमेर अख्तर को 3,70,000 वोट मिले और बसपा को 1,62,000 वोट मिले, तो लगभग ये 5 लाख के करीब वोट ये बैठ रहे हैं सपा और बसपा के कंसोलिडेट अगर कर दिए जाएं। और तंवर को मिले थे 5,28,000 वोट। तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन की यहाँ पर एक गठबंधन हो जाने के कारण गठबंधन के लिए समीकरण कोई हलवा बन गए हैं यहाँ पर, ऐसा भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अभी भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे चांस हैं। और ख़ास बात यह है कि कंवर सिंह तंवर जो हैं वो यहाँ जो खासी बड़ी हस्ती हैं, पैसे वाली पार्टी हैं, और उन्हें तो सबसे अमीर सांसद होने का देश का तमगा दिया गया है कंवर सिंह तंवर को, तो चुनाव उनका हल्का नहीं मानना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि गठबंधन के कुंवर दानिश अली और कंवर सिंह तंवर में सीधी फाइट होगी और परिणाम बहुत नज़दीकी हो सकते हैं। और अगर वो जीतते हैं कंवर सिंह तंवर फिर से, तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है वो बीजेपी के भी अनुकूल उतना ही है जितना गठबंधन के अनुकूल बन रहा है। हालांकि यहाँ से बीजेपी से नागपाल ने भी टिकट मांगा था, और यहाँ के कुछ लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि अगर नागपाल को यहाँ से टिकट मिला होता तो वो ज़्यादा सॉलिड प्रत्याशी होते, लेकिन सिटिंग एमपी होने के कारण कंवर सिंह तंवर को यहाँ से टिकट मिला है, और मुझे लगता है कि उनका चुनाव अच्छा जा रहा है। देखते हैं, अब 18 तारीख को मतदान हो रहा है, उस दिन हम लाइव भी होंगे, तब आपसे बात करेंगे कि अमरोहा में क्या स्थिति रही। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।